नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, हरियाणा सरकार ने रातों रात सिरसा से हजारों राशन कार्ड, बीपीएल श्रेणी में जो व्यक्ति आते हैं उनके हजारों लोगों के राशन कार्ड काट दिए हैं साथियों। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीपीएल कार्ड उन लोगों के काटे हैं जो असल में उनके हकदार थे, जो अमीर और मध्यम वर्ग के लोग जो बीपीएल की श्रेणी में आए हुए हैं उनके नहीं काटे गए हैं साथियों। और इसके साथ साथ रात को मोबाइल पर हजारों लोगों के एसएमएस आए कि आप बीपीएल श्रेणी से बाहर हो चुके हैं, आपको अब हरियाणा सरकार की कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेगी। जानते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हमारे साथ एक समाज सुधारक मौजूद है, गोपीराम सैणी जी, वार्ड नंबर 6 से पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। हाँ जी, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले समय समय पर सिरसा की आवाज़ जो न्यूज़ चैनल है वो आप हमेशा से सिरसा शहर की आवाज़ की जो समस्या उठाते रहते हो, आज आपने ना केवल सिरसा की आवाज़ की समस्या उठाई, आज आपने हरियाणा प्रदेश के उन गरीब परिवारों की जो आज जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो आज सड़कों पर रहते हैं, आज आपने उनकी आवाज़ उठाने का काम किया। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके इन दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये जो सरकार है ये गरीब लोगों को कहीं ना कहीं गरीबी से ही मारना चाहती है। क्यों? पहले तो इस सरकार ने जो 20-20 साल से 25-25 साल से जो गरीब जो राशन डिपो से राशन लेते हैं उनका राशन देने का काम किया फ्री में, और साथ के साथ पैसे देने का भी काम किया। आज कहीं ना कहीं इस सरकार ने उन लोगों को रोड पे आने का काम किया। आज रातों रात जो हजारों की तादाद में, हजारों की नहीं मैं तो मानूंगा 1 लाख से भी ऊपर की तादाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए। और ये काटा क्यों है, किस कारण काटा है, क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ रात को ही काम होता है? नहीं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ही राशन कार्ड पीले काट गए हैं। जो अमीर लोग इसकी श्रेणी में आते हैं, जिनकी अच्छी कोठियां बनी हुई है, एसी लगी हुई है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, उनके राशन कार्ड नहीं काटे गए हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं बड़े विचित्र सी बात हुई जब मैंने एक गरीब लड़के की आईडी देखी, उसमें एक मैसेज आया हुआ था आपका राशन कार्ड काट दिया गया। जब उसको ग्रीवेंस के अंदर डाल के देखा तो उसका राशन कार्ड किस लिए काटा गया, मैंने देखा कि उसके 9000 रुपये पर एनुअल वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है। भाई साहब, 9000 रुपये पर एनुअल, 9000 रुपये तो कोई ज़्यादा नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी, मैंने उससे पूछा, भाई साहब आपके नाम कोई बिजली का मीटर है? कहता नहीं है। मैं, बिजली का मीटर नहीं है तो ये सरकार ने कैसे लिख दिया? आप सरकार को चैलेंज करो, कोर्ट में घसीट के लेके जाओ। पहले तो आपने राशन कार्ड बनाया, आज आपने मेरा राशन कार्ड काटा एक झूठा रीज़न देकर कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जब आपके नाम मीटर नहीं है, आपके नाम आपका हाउस नहीं है, आप कुछ आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हो तो आपके नाम मीटर कैसे आ गया? नहीं, सरकार ने रातों रात ये जो राशन कार्ड काटे हैं, क्या सरकार गरीबों को मारना चाहती है या गरीबी खत्म करना चाहती है या गरीबों के साथ कोई मजाक कर रही है? भाई साहब, आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कि देश के अंदर गरीब को ख़त्म करना है। आज गरीब लोगों को ही ख़त्म कर दिया, किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर रातों रात राशन कार्ड काट दिए, आज उन लोगों के राशन कार्ड काटे हैं जो गरीब है, असलियत में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके कार्ड काट दिए गए, जो आज कोठी में है, बंगले पे कार है उनके आज भी राशन कार्ड है। नहीं, आप क्या मानते हैं ये जो राशन कार्ड कटे हैं इनके द्वारा क्या राशन कार्ड बन पाएंगे? बिल्कुल, इनके राशन कार्ड ना तो आज बन पाएंगे ना कल बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि फैमिली आईडी एक ऐसी, यदि आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोई भी भाई यदि सुन रहे हैं, सबसे पहले आप परिवार पहचान पत्र का विरोध करो। ये परिवार पहचान पत्र कहीं ना कहीं आपको गरीब बना के छोड़ देगा, गरीब नहीं आपको तो रोड पे लाके छोड़ देगा, आपको सल्फास की गोली खा के सोना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी आपके नाम पे आने लग जाएगा। कहीं ना कहीं लोन की सुविधा है, वो भी आप धक्के से आपके पास बैंक वाले आएंगे, आपने लोन ले रखे जी, जबकि आपने लिया भी नहीं हुआ। ये सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही का रुख अपना रही है। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से रातों रात हजारों लोगों के फ़ोन पर एसएमएस आता है कि आप अब बीपीएल श्रेणी से बाहर हो चुके हैं, आपका जो पीला कार्ड है वो काट दिया गया है।
अब वो सरकार की कोई सुविधा नहीं ले सकेंगे, ना तो वो कणक ले सकते हैं और उनका आयुष्मान कार्ड भी है वो जल्दी बंद हो जाएगा। तो हरियाणा सरकार का ये जो फरमान है वो गरीब लोगों के ऊपर किस तरीके से कहर बरपा रहा है साथियों। लगातार हजारों लोगों की नींद है वो आराम हो चुकी है। सिरसा शहर में सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो लोगों ने देखा मोबाइल पर हर किसी के SMS आया हुआ था भी आप अब BPL श्रेणी से बाहर हो चुके हैं, इस श्रेणी में आप नहीं रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, शुक्रिया।